नमस्कार बिहारी शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। जिस तरीके से बिहार में कोरोना ने तबाही मचा रखी थी और जिस तरीके से कोरोना अब थमना शुरू हुआ है, दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, तस्वीर में ये लापरवाही वाला वीडियो देखिए, किस तरीके से इस वीडियो में तमंचे पर डिस्को किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शादी विवाह या किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीड़ जुटाने पर मनाही रखी है। बावजूद ये तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लाल कुर्ते में यह लड़का तमंचे पर डिस्को कर रहा है। हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। मुजफ्फरपुर में प्रेमिका के परिजनों के द्वारा बेरहमी से किए गए सौरव राज हत्या को लेकर जहां अभी भी इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों को छापेमारी के लिए जहां पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, वहीं इस मामले में विधि व्यवस्था को बिगाड़ने में शामिल एक अहम आरोपी का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में लाल कुर्ते में नजर आ रहा शख्स खुलेआम तमंचे के नोक पर डिस्को करते नजर आ रहे हैं। इस मामले से जुड़े एक आरोपी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस ने भी जांच करते हुए तमंचे पर डिस्को करने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी है। मामले पर जानकारी देते हुए एएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि इस मामले से जुड़ी सभी तथ्यों की पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने स्वीकार किया है कि सबके पोस्टमार्टम से ले जाने के दौरान कुछ आकस्मिक तत्वों ने जानबूझकर इलाके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है। तमंचे पर डिस्को कर रहे शख्स की भी इस प्रकरण में भूमिका संदिग्ध रही है। और क्या कुछ कह रहे हैं एएसपी सैयद इमरान मसूद, जरा सुनिए आपने। वर्षा गांव में एक युवक की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद लड़के के घर वालों ने और उसके कुछ दोस्तों ने आकर के जो लाश है वो लड़की के दरवाजे पे जलाई थी। जलाने के बाद वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया था, जिसके कारण हम लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आई थी। उसके बाद वहाँ पे FIR होके 3 आदमी अरेस्ट होके गए थे। उसी में एक नाम सामने आ रहा है, उसका वीडियो भी आर्म्स के साथ वायरल हुआ है। उसी पर अब जाँच चल रही है कि उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है लॉ एंड ऑर्डर समस्या बिगाड़ने में। सपोर्ट में भी आम सेट में जेल जा चुका है। उसका आपराधिक इतिहास का अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं क्या आपराधिक इतिहास है। जैसे होगा वैसे आई कार्रवाई की जाएगी। सर आर्म्स के साथ जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें भी एक्ट लगेगा? हाँ, वो हर्ष फायरिंग का भी उसमें, जैसे हम आजकल देख रहे हैं उसमें आर्म्स के साथ हो रहा है, और शादी का माहौल में के आसपास उसमें आर्म्स के साथ उसका फोटो है, वीडियो है, उसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। तो सुना आपने किस तरीके से उन्होंने बताया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये तस्वीर जो थी, जो एक बार फिर से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरीके से कोरोना का रफ्तार थमने के बाद ये लापरवाही किया जा रहा है, जहां तमंचे पर डिस्को किया जा रहा है। इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल बिहार इन शॉर्ट्स के साथ बने रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।